मोहन की बहन बोल रही हूँ। मैंने अपना भाई खोया है। मुख्यमंत्री जी वहाँ गऊ गऊ रचा क्या करे, वो खुद नहीं रचा कर पा रहे हैं, हम लोग क्या करे। शर्म आनी चाहिए उनको, एक बार हमारी फैमिली से मिलने की कोशिश नहीं की। बड़े जांबाज अधिकारियों में मगर जी, और आज आज गऊ एक जानवर, गऊ हमारी माता है मानते हैं, लेकिन उस माता के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दी है। मुख्यमंत्री जी गऊ 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 हिलाते फिरते हैं, खुद आगे गऊ रचा क्यों नहीं करते। शर्म की बात है, अफसोस है मुझे इस बात का। आपके भाई ने वीरता का काम किया है, वीरता का काम किया, लेकिन हमारी फैमिली क्या करे, इसका कोई अंदाजा देंगे आके वो क्या दे आके क्या मांग करते हैं। मैं सबसे पहले अपने भाई का शहीद स्मारक बनवाना चाहते हैं गांव में, मेरे भाई को शहीद घोषित किया जाए सबसे पहली बात। और क्या क्या मांगे हैं? शहीद स्मारक घोषित किया जाए, उसके बाद जो नौकरी और जो तो प्रतिक्रिया होनी है उसको हम क्या मांगे। 50 लाख रुपए से क्या होता है? शहीद का दर्जा चाहते हैं जी, शहीद का दर्जा और शहीद स्मारक हमेशा के लिए गांव में। हाँ गाँव में मेरे भाई को दुनिया सलाम करे। एस के सिंह कोई मामूली हस्ती नहीं था, बात सही है। उससे पहले उसके फादर ने जान गमाई, वो भी पुलिस पुलिस में। हाँ फादर की जगह लगे हुए थे, ये भी पुलिस में। कैसे कैसे उनकी मौत हुई थी? उनकी भी मौत इसी तरीके से हुई थी, झांसी से एनकाउंटर नहीं हुआ था, झांसी में उनको गोली लगी थी, उसके बाद हम लोगों ने आगरा में इलाज कराया, वहाँ खत्म हो गए। गोली क्या, कौन थे मारने वाले? गोली भाई को के मामा को, मामा पिताजी को, उनके को, उनके पिताजी को। झांसी में भी ऐसे ही उधम हुआ था, उस समय गोली लगी थी उनके। तो क्या इस परिवार की वीर गाथाएं जी पुरानी हैं? जी हाँ,